तो दोस्तों यहाँ पे यूपी बोर्ड के तरफ से काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। दोस्तों अगर आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं दोस्तों, क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आप लोग का कॉपी का चेक जो है कब से स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं जून में आ सकता है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं ये आज ही का अपडेट है, यहाँ पर 12 अप्रैल का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो भी छात्र यूपी बोर्ड से एग्जाम दिए हैं क्लास 10th और क्लास 12th का, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह का पल पल का न्यूज यहाँ पे यूपी बोर्ड की तरफ से जितने भी न्यूज निकल कर आते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 कोरोना और लॉकडाउन से गड़बड़ हो गया यूपी बोर्ड का शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉपी जो है मार्च के लास्ट में चेक करना था वो अब अप्रैल भी ख़त्म होने जा रहा है दोस्तों, और आप लोगों का रिजल्ट जो 24 अप्रैल को आने वाला था अब जून में शिफ्ट हो गया है। तो मैं आप लोगों की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, आखिर कब से आप लोगों को यहाँ पे कॉपी का मूल्यांकन चालू होगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी एक क्लिक में रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, मैट्रिक और इंटर का किसी भी वेबसाइट का जरूरत नहीं पड़ेगा, और जैसे ही आप लोगों को जैसे रिजल्ट जारी होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी दे देगा दोस्तों कि जारी हो चुका है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मोबाइल ऐप का, जैसे ही डाउनलोड करेगा तो एक क्लिक में अपना रोल नंबर डाल के, सिर्फ रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा, जहाँ से आप लोग एक क्लिक में रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, ताकि इसी तरह का आपको नोटिफिकेशन दे देगा दोस्तों जैसे ही रिजल्ट जारी होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों का जो कॉपी का मूल्यांकन था वो 16 मार्च से मूल्यांकन शुरू होकर 25 मार्च तक पूरा होना था, लेकिन 18 मार्च से मूल्यांकन रोक दिया गया। मात्र 2 दिन हुआ था दोस्तों, कुछ कुछ छात्रों का हुआ होगा चेक। बताया जा रहा है कि समय से काम होने पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के परिणाम 24 अप्रैल तक घोषित होना था, लेकिन वर्तमान में जून से पहले रिजल्ट घोषित होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी बताया था कि जून के प्रथम सप्ताह में, जी हाँ दोस्तों, जून के पहले सप्ताह में 1 से 7 जून के बीच में आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही तेज़ी से काम होगा। जैसे 20 कॉपी चेक करते थे तो यहाँ पर 40 कॉपी, दुगुना काम करेंगे दोस्तों टीचर लोग। ठीक है, ताकि आप लोगों का रिजल्ट जो समय पर जारी हो सके, ज़्यादा लेट ना हो। इस वीडियो में यही बताया जा रहा है दोस्तों कि आप लोगों का यहाँ पे देखिए 14 अप्रैल तक जो था लॉकडाउन, अगर वो बढ़ता है तो आप सभी को समझिए कि कॉपी का मूल्यांकन भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पे 14 अप्रैल को यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोस्तों अगर लॉकडाउन निकल जाता है, मतलब नहीं बढ़ता है, तो आप लोगों का 15 अप्रैल से कॉपी जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है दोस्तों, तो एक और यहाँ पर सुविधा बताया जा रहा है दोस्तों आप सभी छात्रों के लिए, कि जो भी शिक्षक मूल्यांकन कार्य में लगे थे वो अपना कॉपी जो है अपने अपने घर जा सकते हैं लेकर, या फिर आप उसी ऑफिस में या जहाँ पे कॉपी चेक होता था वो अलग अलग बैठ के कॉपी चेक करेंगे, मतलब एक ही रूम में ज़्यादा टीचर जो है नहीं रहेंगे। ठीक है, ये नियम जारी हो सकता है। तो इस पर कोई भी नियम आएगा तो मैं आप लोगों को सबसे पहले देने का कोशिश करूँगा दोस्तों, लेकिन इस यहाँ पे न्यूज़ के अनुसार बताया जा रहा है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का और क्लास 12th का रिजल्ट जून के प्रथम वीक में ही आने वाला है, क्योंकि इनसे पहले देखने का कोई आसार नहीं हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का कॉपी का मूल्यांकन में 15 दिन लगेंगे, 10 से 15 दिन, उसके बाद रिजल्ट पूरा जोड़ने में, तैयार करने में टाइम लगेगा। तो इसके हिसाब देखते हुए दोस्तों आप सभी का रिजल्ट जो है जून के प्रथम वीक में ही आने वाला है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आप लोगों को जरूर देखने को मिला होगा, जानने को मिलेगा दोस्तों आप सभी को रिजल्ट को लेकर। जैसी कोई एक अलग से न्यूज आएगा ऑफिशियली तो मैं आप लोग को सबसे पहले देने का कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।